बचपन में पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन या फिर बांसुरी वाला नाम की कहानी तो हम सब ने सुनी होगी, राइट? अभी भी हम मॉरल साइंस या फिर नैतिक शिक्षा की बुक्स में ये स्टोरी को देख लेते हैं, लाइक हमें मिल जाती है आज भी ये स्टोरी, एंड बोलते हैं कि ये स्टोरी सच थी। आई मीन ट्रस्ट मी, अगर ये स्टोरी सच थी ना तो इसकी रियलिटी बहुत ज़्यादा डार्क होने वाली है। हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग तो एक गांव में चूहे हो जाते हैं जहाँ पर एक आदमी बांसुरी बजाकर उन्हें भगा देता है और अपने पैसे मांगता है, तो गांव वाले उसे वो पैसे देने से मना कर देते हैं, जिसके बाद वो फिर से बांसुरी बजाता है और अब वो गांव वालों के बच्चों को उठा करके ले जाता है। गांव वाले उसे उसके जो भी तैराशी होती है वो उसको देते हैं और अपने बच्चों को ले आते हैं। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें लालची नहीं होना चाहिए। लाइक सीरियसली, माय गॉड। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल स्टोरी। तो ये स्टोरी जर्मनी के हैमलिन नाम के एक टाउन की है जो 1300 के आसपास एक चर्च से निकली थी। बोलते हैं कि ये स्टोरी उस चर्च की जो विंडो थी उस पर ड्रॉ की गई थी, एंड वो चर्च तो वैसे 1600 के आसपास डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, बट क्योंकि उसके बाद उसके और भी वर्जन्स देखने को मिलते हैं तो उनसे पता चलता है कि 1300 वाला जो वर्जन है वो सबसे पुराना वर्जन है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर उसी वर्जन की, ओके? तो कहते हैं हैमलिन बहुत शांत टाउन हुआ करता था। नदी के किनारे होने की वजह से वहाँ के लोग खेतों में अनाज उगाकर उसे टाउन के बाहर बेचा करते थे। बहुत कम टाइम में इस टाउन ने अपनी एक अलग जगह बनाकर रखी थी। लोग काफ़ी वेल्दी थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में घर बनाकर रहने लगे थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी अचानक 1284 में इस टाउन में चूहों ने अटैक कर दिया, जिससे उनके खेत बर्बाद हो गए, स्टोर किया हुआ जितना भी सामान था वो बर्बाद हो गया, बाहर के टाउन से जो लोग यहाँ पर दुकान लगाने आते थे उनके सामान भी बर्बाद होने लग गए। अब जब इस केस के बारे में बात होती है, इस पूरी स्टोरी की बात होती है, तो लोग बोलते हैं कि शायद बाहर के किसी टाउन वाले ने यहाँ पर चूहे भेज दिए थे जलन की वजह से। वहीं कुछ लोग बोलते हैं ब्लैक मैजिक था, बट अगर हम उस समय की बात करें तो लोगों के लिए सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया होगा। लाइक टाउन के लोगों ने मेयर से बात की और इन सारी चीज़ों का हल निकालने के लिए बोला। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देख कर मेयर भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। उन्होंने सबसे बात की और सबने ये सोचा कि हैमलिन में एक लाइक बाहर के एरियाज में और हैमलिन में मिला करके कुछ अनाउंसमेंट करवा देते हैं। और बाद में उन्होंने वही अनाउंसमेंट ही करवाई, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो भी आदमी चूहों को भगा देगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। कुछ दिनों बाद एक बांसुरी वाला, एक बहुत अजीब सा बांसुरी वाला था जो रंग बिरंगे कपड़े पहनता था, वो टाउन में आया और उसने ये बोला कि मैं चूहे पकड़ता हूँ और मैं चूहों को भगा सकता हूँ। मेयर ने उससे प्रॉमिस किया कि ठीक है, तुम चूहों को भगाओ और हम तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं देंगे, यानी कि गोल्ड कॉइंस देंगे। पाइपर यानी कि बांसुरी वाले ने एक्सेप्ट किया और बांसुरी बजानी स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे सभी चूहे जो जहां पर भी थे वहां से बाहर आने स्टार्ट हो गए। बांसुरी वाला चलता गया, वो नदी के पास पहुँचता गया, चूहे उसका पीछा करते करते नदी के अंदर घुसने लग गए और वो सभी नदी में डूब करके मर गए। इधर पाइपर ने जो प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग पैसे मांगे, उधर मेयर ने उसे वो पैसे देने से मना कर दिया। जब पाइपर ने जिद की तो मेयर ने उसे सिर्फ और सिर्फ 50 सोने के सिक्के दिए और ये बोला कि तुम ही हैमलिन में उन चूहों को लेकर के आए थे। अब पाइपर पूरी तरह से बौखला गया था। उसने ये बोला कि मैं तुमसे बदला लूंगा आकर के, और वहां से चला गया। एक दिन जब सभी बड़े लोग चर्च में लाइक प्रेयर करने में बिजी थे, तभी पाइपर ग्रीन कलर के कपड़े पहन करके एक शिकारी की तरह वहाँ पर आया। उसने बांसुरी बजानी स्टार्ट की। जैसे उसने बांसुरी बजाना शुरू किया, गांव के बच्चे उससे अट्रैक्ट हुए और उसके पीछे पीछे भागने लगे। 130 बच्चों ने उसे फॉलो किया और उसे फॉलो करते करते टाउन के बाहर गए और वहाँ पर एक केव थी, उसके अंदर चले गए। केवल 3 बच्चे थे जो रह गए, एंड वन वॉज लेम, तो उसे चलने में प्रॉब्लम थी तो ऑब्वियसली वो जा नहीं पाएगा। सेकेंड वॉज डेफ, तो उसे सुनाई नहीं दे रहा था कि हो क्या रहा है, हाँ बट उसे दिख रहा था कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। एंड द थर्ड वन वॉज ब्लाइंड, उसे सुनाई दे रहा था, चल सकता था, सब था, बट उसे जाना कहाँ है उसे ये नहीं पता था। और इन्हीं बच्चों ने गांव वालों को बताया कि सभी लोग कहाँ पर और कैसे चले गए। सब ने बहुत ढूंढा लेकिन वो 130 बच्चे कभी भी नहीं मिल पाए, मतलब आज तक नहीं मिल पाए। एंड जैसा कि मैंने कहा, इस स्टोरी के बहुत सारे वर्जन्स हैं, तो उनमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कुछ कहते हैं कि चूहों की तरह पाइपर ने
बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया। और वहीं पर कुछ का कहना है कि कॉपलबर्ग हिल के ऊपर वो उन बच्चों को ले गया और उस ब्यूटीफुल लैंड में वो उन सभी के साथ रहने लग गया। कुछ कहते हैं कि वहाँ के जो लोकल किंग थे उन्होंने 130 बच्चों को अपनी आर्मी में रखने के लिए किडनैप करवाया था। एंड अकॉर्डिंग टू सम पीपल, कुछ नॉन क्रिश्चियन मॉन्क्स थे जिन्होंने बांसुरी बजा करके उन्हें हिप्नोटाइज किया था। और इस तरह के बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल आपको मिल जाएंगे देखने को। सो, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरीज भी हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं पाइट पाइपर हैमलिन वालों के लिए एक सिंबल ऑफ होप था, क्योंकि वो प्लेग का दौर था और पाइट पाइपर ने चूहों को भगा कर या फिर उसे मार कर उस टाउन के लोगों को एक एपिडेमिक से बचा लिया था। बट सच्चाई तो यही है कि वो बच्चे कभी नहीं मिल पाए। आज भी हैमलिन शहर में इस ट्रेजेडी के स्मारक या फिर म्यूजियम हैं जहाँ पर उन बच्चों के नामों को सहेज कर रखा गया है। इवन वो प्लेस, वो रोड जहाँ से वो बच्चे गायब हुए थे, उस रोड पर आज भी म्यूजिक और डांसिंग अलाउ नहीं है। हैमलिन में एक टूरिस्ट फेस्टिवल भी होता है, हर साल होता है, इस फोक टेल को याद रखने के लिए। सो यू टेल मी द मॉरल ऑफ द स्टोरी। टिल देन टेक केयर, एंड या वन मोर थिंग, जस्ट डोंट फॉरगेट टू लव योरसेल्फ। बाय बाय।